हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी बनवाल किचन में आपका स्वागत है। अभी सारे फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। आई होप आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दी आते ही हमारे मन और दिमाग में सूप का नाम आता है। आज मैं आपसे हॉट एंड सार सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पीने में बहुत टेस्टी होता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हॉट एंड सार सूप। उसके लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और मैंने यहाँ पे सर्दी के मौसम के अकॉर्डिंग सारे वेजेस लिए हैं जो अवेलेबल होते हैं। साथ ही मैंने रिफाइन कॉर्नफ्लावर, चीनी, साथ साथ ब्लैक पेपर, सेजवान सॉस, नमक, सोया सॉस, वेनेगर और मैंने यहाँ रेड चिल्ली सॉस लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं सूप। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड डाल रही हूँ। आप चाहे तो वॉक का भी यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पर रिफाइंड बिना फ्लेवर वाली लेना या कोई भी ऑयल लेना जिसमें फ्लेवर ना हो। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे, साथ ही कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना। इसके बाद हम इसमें कटी हुई वेजेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बारीक कटी हुई बीन्स डालेंगे। मैंने बीन्स को बहुत बारीक काटा है। अगर आप सब्जियां बारीक नहीं काटोगे तो ये सब्जी फ्लोट नहीं करेगी पानी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पार्ट लिया है, ये 2 टेबल स्पून है। साथ ही मैंने 1/2 कप कटा हुआ गाजर लिया है। बीन्स भी मैंने 1/2 कप लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई 1/2 कप बंधा गोभी ले रही हूँ। इसे मैंने लंबा लंबा काटा है, आप चाहते इसे छोटा छोटा भी कट कर सकते हो। साथ ही 1/2 कप कटी हुई शिमला मिर्च ली है मैंने। मैंने सारी सब्जियों को बारीक कट किया है, आप भी ऐसे ही कट करना। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जितनी क्वान्टिटी ली है उससे ईजिली 3 से 4 लोगों को सर्व किया जा सकता है। आप ये सूप ज़रूर ट्राई करना। हम इसे कंटिन्यूसली हाई फ्लेम पर रोस्ट करते रहेंगे। हमें सब्जियों को इतना ही रोस्ट करना है कि इसका क्रंच बना रहे, हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। अब मैं इसके बाद इसमें मटर ऐड कर रही हूँ, ये फ्रेश मटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखना है, इससे सब्जियाँ क्रंच होंगी और ये गलेंगी नहीं। अब मैं इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर आपकी सब्जी ज़्यादा हो, या अगर आपकी सब्जियाँ कम हो तो आप इसमें पानी थोड़ा कम भी कर सकते हो। पानी डालने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक बॉईल आने देंगे हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हो बॉईल आना स्टार्ट हो गया और कितना अच्छा कलर दिख रहा है, हमारी सब्जी एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रही है। अब हम इसे स्टर कर लेंगे एक बार। मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी एकदम क्रंच है, अभी गली नहीं है। मोस्टली इतनी सारी वेजेस देकर घर में बच्चे सूप नहीं पीना चाहते हैं, पर अगर आप इस तरीके से सूप बनाओगे तो बड़े और बूढ़े सबको ये सूप पसंद आएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, ये डार्क सोया सॉस है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो सोया सॉस डालने के बाद ही कलर कितना अच्छा दिखने लग गया है। सोया सॉस डालने से सूप का कलर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं इसमें वेनेगर डाल रही हूँ। वेनेगर से सूप में हल्का सा खट्टापन आता है और ये सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आप इसे स्किप मत करना, इससे सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, पर आप ये याद रखना कि आपने यहाँ सोया सॉस डाला है और सोया सॉस में भी नमक होता है। इसके बाद मैं सूप को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर बहुत अच्छा टेस्ट लाता है सूप में। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि हम हॉट एंड सार सूप बना रहे हैं इसलिए सूप को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून सेजवान सॉस डाल रही हूँ। पर मैंने कहा है ना कि अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो, या अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पर रेड चिल्ली पाउडर या फिर 2 लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छा बाइंडिंग होगा सूप में। कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लावर जब भी ऐड करो तो एक हाथ से ऐड करते जाओ और दूसरे हाथ से स्टर करते जाओ। आप देख सकते हो हमारा सूप यहाँ पर थिक होना स्टार्ट हो गया है। आपको जैसी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हो।
अगर आपको थोड़ी और थिक करनी है तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर आप और ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। अब हमारी सूप रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो इसमें बबल्स भी आ गए हैं और ये अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे सूप बनाते बनाते इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है सूप की कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हमारी सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चॉपस्टिक के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर ऐसे ही। अब हम घर में बने गर्मा गर्म हॉट एंड सार सूप को सर्व करेंगे और इसे स्प्रिंग अनियन से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। मैंने यह सूप सर्व कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब हमारा सूप रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।